subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now, question number 4. How is a convex lens of suitable power able to correct the defect of eye hypermetropia? Hypermetropia naam ke defect ko करेक्ट करने के लिए रिकमेंड किया जाता है कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सूटेबल पावर। तो ये कॉन्वेक्स लेंस जो है किस तरह से इस डिफेक्ट को करेक्ट करता है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? कन्वर्जिंग लेंस। ओके, आंसर इज द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सूटेबल पावर कन्वर्जेस द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द नियर बाय ऑब्जेक्ट so that it appears to come from the near point of the defected eye. मतलब यहाँ पे मीन ये है, जो hypermetropic eye होती है, उसका near point 25 centimeter की जगह उससे थोड़ा दूर होता है। मतलब जब object 25 centimeter पे रखा है, उसे नहीं दिखाई देगा, 25 centimeter से थोड़ा दूर रखा है, तो उसे दिखाई देगा। ठीक है? तो convex lens जो हम use करते हैं, वो mainly यही करता है, कि लाइट रे को मतलब पास से नियर बाय ऑब्जेक्ट से आने वाले लाइट रे को इस तरह से कन्वर्ज कर देगा कि लाइट रे जो है उस पर्सन के जो नियर पॉइंट से आती हुई दिखेगी। उस पर्सन का नियर पॉइंट जो कि 25 सेंटीमीटर से दूर है, वहां से आती हुई दिखेगी और उस लाइट रे को फिर आई लेंस जो है आगे कन्वर्ज कर देगा रेटिना। तो जो पहले हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो रहा था कि रेटिना पे इमेज नहीं बन रही थी, रेटिना के पीछे बन रही थी, कॉन्वेक्स लेंस यूज करने से लाइट रे और कन्वर्ज होके अब जो है रेटिना पे ही इमेज बनेगी। इस तरह से वो डिफेक्ट रिमूव हो जाता है। नाउ द आई लेंस इज एबल टू फोकस द इमेज ऑफ द नियर बाय ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। ठीक है, इसको हम इमेज में देखते हैं। ये है कंडीशन हाइपरमेट्रोपिक आई की, कि जब जो ऑब्जेक्ट है नियर पॉइंट पे रखा है, मीन्स मान लीजिए एन डैश पे रखा हुआ है, ओके, एन डैश पे रखा है मीन्स 25 सेंटीमीटर पे रखा है, तो जो इमेज है वो रेटिना के बाहर बन रही है। ठीक है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट को जो 25 सेंटीमीटर से थोड़ा दूर रखा जा रहा है, मींस एन पे रखा जा रहा है, तो वो जो इमेज है वो रेटिना पे बन रही है। ठीक है, अब जब कॉन्वेक्स लेंस यूज किया गया तो क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस ने इस नियर बाय ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रे को थोड़ा कन्वर्ज कर दिया। ठीक है, कन्वर्ज करने के बाद उसको एक्सटेंड करेंगे हम पीछे, तो ऐसा लगेगा जो लाइट रे है वो एन से आ रही है, जो कि उस पर्सन का नियर पॉइंट है। तो नियर पॉइंट से आने वाली लाइट रे को फर्दर जो आई लेंस है वो क्या कर देगा, रेटिना पे कन्वर्ज कर देगा। इस तरह से जो इमेज है नियर बाय ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना पे बन जाएगी और वो नियर बाय ऑब्जेक्ट उस पर्सन को नजर आएगा बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस।